चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जो है वो जारी है। इस दौरान अब तक क्या क्या घटनाक्रम हुआ है एक बार ग्राफिक से जरिए आपको समझा देते हैं। तो देखिए अब तक क्या क्या यूक्रेन पर रूस के हमले को 5 दिन हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन पर 66 रॉकेट 113 क्रूज मिसाइलें दागी हैं। कीव के बाहरी हिस्सों में जलते दिखे कई घर। रूसी सेना टैंकों के 64 किलोमीटर लंबे काफिले ने डाला घेरा। यूक्रेन के बड़े शहरों में गोलीबारी जारी है। अब तक कुल 350 नागरिकों की मौत हुई है जिनमें 14 बच्चे हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर होना पड़ा है। रूसी हमले में यूक्रेन की सैन्य यूनिट तबाह, 70 सैनिकों की मौत। रूसी सेना का 17 मील लंबा सैन्य काफिला कीव की ओर बढ़ रहा है। 28 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच पहले चरण की वार्ता बेनतीजा। दोनों पक्षों में वार्ता जारी रखने पर सहमति बनी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोपियन यूनियन से सदस्यता की मांग की है। यूएनएससी और यूएनजीए दोनों रूसी हमले को लेकर सक्रिय। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन पर रूसी हमले की जांच शुरू कर दी है। जेलेंस्की ने यूएनएससी की स्थायी सदस्यता से रूस को हटाने की मांग की है। तो अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अमेरिका की यूक्रेन को $350 की अतिरिक्त मदद। यूरोपियन यूनियन से 450 मिलियन यूरो की मदद। यूक्रेन को 70 फाइटर जेट देगा यूरोपियन यूनियन। बुल्गारिया 16 MiG 29 और 14 Su-25 देगा। पोलैंड 28 MiG 29 और स्लोवाकिया 12 MiG 29 देगा। कनाडा की ओर से यूक्रेन को भेजे जा रहे हैं खतरनाक सैन्य हथियार। 50 करोड़ कनाडाई डॉलर की रकम देने का फैसला लिया है। जर्मनी की ओर से 1000 एंटी टैंक हथियार देने का ऐलान। 500 मिसाइल और 9 हॉवित्जर तोपों को भेजने का भी ऐलान। 14 सैन्य वाहन और 10,000 ईंधन भी भेज रहा जर्मनी। स्वीडन की ओर से भी 5,000 एंटी टैंक रॉकेट्स की मदद। फ्रांस की ओर से भी यूक्रेन को भेजे जा रहे सैन्य हथियार। ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड कर रहे यूक्रेन की मदद। चेक रिपब्लिक, पुर्तगाल, ग्रीस कर रहे यूक्रेन की सहायता। रोमानिया, इटली, तुर्की भी कर रहे यूक्रेन की मदद।